नेक्स्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टू ट्रायंगल्स इन विच टू एंगल आर 60 एंड 45 एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स इज 4। तो बेसिकली अब क्या करना है हम लोगों को, अब ये सास खत्म हो गई है, नहीं सास का ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल खत्म हो गया है, एंड अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें दो ट्रायंगल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री लिया हमने, सेकंड एंगल 45 डिग्री लिया, ठीक है, और इसकी एक साइड जो है ये साइड हमने ली 4, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लुक एट दिस रिटन ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी पेस्ट दिस ट्रायंगल्स ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो। ओके रिद्धिमा, एम आई ऑडिबल टू यू? रिद्धिमा नागर, यस सर। ओके कल आप नहीं रीड कर पाए थे, कुड यू प्लीज रीड दिस रिटर्न ऑन द स्क्रीन। यस सर। ट्रायंगल्स एंड फेस वन ट्रायंगल वन हैव यू ऑब्जर्व सी द वन ट्रायंगल कवर्स द अदर कंप्लीटली दिस इज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट रिपीट दिस एक्टिविटी विद मोर पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स यू विल ऑब्जर्व दैट इक्वालिटी ऑफ टू एंगल्स and the included side touching for congruence of triangle. This result is the angle side angle criteria of congruence and it's written as ASA criteria. You have verified that criteria in the earlier classes, but let's state and use this result. Since the result can be proved, it is called a theorem and proved, we use the SAS to congruence. ओके तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी की तरह है, दो ट्रायंगल हमने बनाए हैं, इन ट्रायंगल्स को एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आप रख के देखना, इस तरह के ट्रायंगल्स आप बनाएंगे अपनी नोटबुक पे रफ पेज पे, उसको कट कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल 60-45 होने चाहिए और एक साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसको कट करने के बाद आप उस ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे प्लेस करेंगे अगर, राइट, इफ यू प्लेस दैट ट्रायंगल्स ऑन द अदर, सो देन यू विल गेट, यू विल फाइंड दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कोइंसाइड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होंगे, एग्जैक्टली कवर कर रहे होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली कवर करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। रिपीट दिस एक्टिविटी विद मोर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे आप 4-5 ट्रायंगल्स के पेयर बनाना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के, और आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे उस एक्टिविटी से कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कवर करते हैं एक दूसरे ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इस एक्टिविटी से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, एक ही एंगल और एक ही एंगल, ठीक है, और इन दो एंगल इक्वल हैं किन्हीं भी ट्रायंगल्स के, राइट, और एक साइड इक्वल है किन्हीं भी दो ट्रायंगल के, एक दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है दो ट्रायंगल्स की, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और इस रूल को बोलेंगे, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, और ASA क्राइटेरिया भी इसको बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। देखो पहले एंगल आया, फिर साइड आई उसके बीच में, फिर एंगल आया, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, राइट। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमने सास क्राइटेरिया देखा था, सास क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, उससे हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये होता है, राइट। सो लेट अस प्रूव इट। सो बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बता दूं प्रूव करने से पहले, इसमें ये क्राइटेरिया कौन सा बना है, एंगल साइड एंगल का, ठीक है, यहां पे एंगल है फिर साइड आएगी फिर एंगल आएगी, ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर दोनों एंगल पहले आ रहे हैं, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये क्राइटेरिया क्या होता है, या पहले साइड आ रही है साइड एंगल एंगल,
क्या ये क्राइटेरिया होता है? जैसे जैसे कि हम लोगों ने सास देखी थी, सास एस ए एस, सास वाली जो हमने कॉन्ग्रुएंस रूल देखा था एस ए एस, ठीक है, सास इसको मैं बोलता हूं, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कभी कोई दूसरी सास ना समझे आप, ये कॉन्ग्रुएंस रूल को मैं सास बोलता हूं, एस ए एस, साइड एंगल साइड है इसका मतलब, ठीक है। एक सास वर्ड और भी होता है हिंदी में, पता होगा आप लोगों को, एस ए एस। तो ये सास जब भी मैं बोलूंगा तो इट मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट, सो डोंट बी कंफ्यूज, एस ए एस। और अभी मैंने बोला था कि सास खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये था कि ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल खत्म हो गया, अब नया रूल करना है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ये मैंने बता दिया कहीं आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एस ए एस होता था, सास होती है, सास होता होती थी और सास ही रहेगी, एस ए एस एस नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होता, एस एस ए, एस एस ए भी कोई भी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है। तो जिसमें दो साइड इक्वल होंगी ट्रायंगल्स की, उसमें एंगल बीच में आएगा और सास होगा, एस ए एस, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच में एंगल आएगा। तो एंगल अगर इधर आ रहा है और फिर साइड साइड आ रही है, वो भी कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता, और साइड साइड एंगल भी कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है। लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हैं, अगर दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, जैसे कि ये हम लोगों ने देखा ए एस से, ठीक है, एंगल एंगल साइड कैसे होगा, एंगल एंगल साइड ऐसे होगा, जैसे मैं इस पे यहां पे आपको इसको रब करके दिखाऊं, तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड मैं इसको ले लूं यहां पे, ये फोर यहां पे ना लेके, ये फोर साइड यहां पे ना लेके, सपोज ये फोर साइड यहां पे होती, राइट, तो फिर क्या रूल बन जाता, देखो एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड, एंगल एंगल साइड, तो और ये आपका अगर इधर से आएंगे तो आप ये बन जाएगा साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, ठीक है। तो ये दोनों रूल होते, फिर ऐसे क्या कह रहे हैं सर, फिर ये गलत नहीं होगा सर, फिर ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होते हैं, ये सास नहीं होने देती है इन्हें ना, ये जो सास है ये नहीं होने देती, यहाँ पे सास का नहीं है, यहाँ पे ए एस ए है, आस आशा, आशा का, आशा का मतलब होता है होप, राइट, सो आपने देखा होगा, लेट मी टेल यू, तो वो दोनों होते हैं, दो एंगल वाले होते हैं, ये सास वाले में नहीं होता, बस वो एस ए, देखो ए ए एस हम लोग डिस्कस किया, ये होता है, अगर ये साइड, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ए एस ए, ये भी होता है, और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है एस ए ए, तो ये भी होता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड कहीं पे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल उनके बीच में होना चाहिए, सास बनना चाहिए वो, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। अब ये कैसे होता है, देखो ए ए एस एस आस, कि हमें इससे बहुत आस है, आस का मतलब होप, उम्मीद, ठीक है, आस है कि हमें इससे आस है, हमें इससे बहुत उम्मीद है कि ये बच्चा इस बार, जैसे आदर्श है, इस बार आदर्श 20 out of 20 मार्क्स लाएगा, आई होप दैट, मुझे आज ऐसी आस है, आस होती है, आस हो सकती है, ठीक है, आस का जो एक सिनोनिम वर्ड आशा भी होता है, आशा। Yes. सर मेरे कितने मार्क्स आए थे, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मार्क्स पता लग जाएंगे, सर, दे दीजिए, बताइए, पेशेंस रखें, मार्क्स बिल्कुल पता लग जाएंगे, डोंट वरी सर, मेरे ज्यादा कम तो नहीं है ना, नहीं ज्यादा कम नहीं है, थोड़े से ही कम है, बिल्कुल चिंता ना करें आप आदर्श, मार्क्स की बिल्कुल फिक्र ना करें, मार्क्स आपको पता लग जाएंगे अपने। देखिए ए ऐसे आशा, आशा भी होती है, आस बोल सकते हैं, आशा बोल सकते हैं, और सारे गामा बाधानी सा, ये भी होता है, बताइए आपको म्यूजिक में, तो ये सा बन रहा है, सा, तो ये भी होता है, तो ये तीनों होते हैं, ठीक है, ये तीनों होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आशा भी रखनी चाहिए आपको, आस भी करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत म्यूजिक भी में भी इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, सारे सर मैथ्स में फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, म्यूजिक भी पढ़ लेते हैं, हम बिकॉज मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट,
ये रानी है सभी सब्जेक्ट्स की, ये सब सब्जेक्ट्स में आती है। इसके बिना फिजिक्स नहीं कर सकते, उसमें आते हैं। केमिस्ट्री में इसका यूज होता है कई बार, मोलैरिटी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं उसमें यूज होता है, मैथमेटिक्स का। आप मैथ में तो इसका यूज होता ही है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? हिंदी। हिंदी, हिंदी में जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें लिखते हैं क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, तो वहां पे भी नंबर आते हैं। चैप्टर वन, चैप्टर टू। तो मैथ, मैथ तो एक तरह रानी है वो सभी सब्जेक्टों की, तो ये हर जगह मिलेगी आपको। इट इज लाइक अ क्वीन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और ये दिस इज मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज सेड बाय अ पर्सन दैट दिस इज नॉट माइन स्टेटमेंट। सो दिस इज, देयर इज अ पर्सन दैट इज, दैट पर्सन नेम इज गोस। गोस इज अ फिलोसोफर, उन्होंने बोला था ये कि मैथमेटिक्स इज अ क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। नाउ ये मैंने नहीं बोला है, ठीक है, ओके। एंड नाउ लुक एट दिस थ्योरम हियर, दिस इज थ्योरम 7.1 ASA, इसका प्रूव करते हैं हम लोग। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। एंड इफ यू रीड दिस थ्योरम हियर ASA, यहां से ट्रायंगल कहां गए, मैंने ट्रायंगल रखे थे यहां पे, ओके। तो यहां पे जस्ट लेट मी टेक दिस ट्रायंगल्स। ओके, सो नाउ लुक एट दिस थ्योरम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसको प्रूव करते हैं। तो जिस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सके दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज थ्योरम। यस, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज थ्योरम, जिस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नाउ लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ये कह रहा है अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये डबल टिक वाला एंगल डबल टिक के इक्वल, और इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड मतलब साइड इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन, यहां पे अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो व्हाट डज, व्हाट इज देयर, वी आर गिवन, क्या गिवन है हमें, वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीएफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमें गिवन है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, राइट। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ये गिवन है। बी सी ई एफ के इक्वल है, एंड वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। थ्योरम कहती है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अब हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल सी दैट थ्री केसेस अराइजेस। लुक एट दिस हियर, लुक एट दिस केस वन हियर। केस वन में आपको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी और ट्रायंगल दिख रहा है डीईएफ। इसमें देखो एबी, लेट कर लें अगर एबी इक्वल टू डीई, एबी को अगर हम लोग लेट कर लें डीई के इक्वल, राइट। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे ऑब्जर्व दैट एबी इज इक्वल टू डीई, ओके। एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, बीसी इक्वल टू ईएफ ये भी गिवन है। इट मींस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बाय विच रूल। अगर ये दो साइड इक्वल हैं और ये एंगल इक्वल है, एक ये हमने लैट किया हुआ है, इस साइड को ए बी को इसके इक्वल लैट किया है, तो अब ये किस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आगे चलते हैं, लुक एट दिस केस टू। लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डीई, ए बी डीई के इक्वल हो सकता है, या सेकंड केस है ए बी डीई से बड़ा हो सकता है। तो ये जो साइड ए बी है ये साइड डीई से बड़ी हो सकती है। नाउ वी कैन टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी, एक पॉइंट पी लिया हमने ए बी के ऊपर यहां पे, सो दिस इज द पॉइंट पी, जिसमें पी बी को हमने डीई के इक्वल लिया है। जो पी बी है, पी बी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस पी बी, इसको हमने डीई के इक्वल मेजर करके पी पॉइंट मार्क कर लिया अपने अपने आप से। नाउ कंसिडर पी बी सी एंड डीई एफ। अब ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी और ट्रायंगल डीई एफ। नाउ
ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल पीबीसी एंड डीईएफ, तो पीबी किसके इक्वल है, डीई के, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। एंगल बी एंगल ई के इक्वल ऑलरेडी गिवन था, बीसी ईएफ के इक्वल है, राइट, बीसी इक्वल टू ईएफ, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दैट, तो यहां से हमने कंक्लूड किया ट्रायंगल पीबीसी इज सिमिलर टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, किस रूल से, अगेन सास एक्सियोम फॉर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और ये एस ए एस क्या था, एस ए एस थ्योरम थी या क्या था, एस ए एस एक्सियोम था या थ्योरम, व्हाट इज एस ए एस, साइड एंगल थ्योरम, इट्स थ्योरम थी या एक्सियोम था, एक्सियोम, ये एक्सियोम था, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब एस ए एस हम लोगों ने डिस्कस किया था, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स, इट इज एक्सियोम 7.1, ये एक्सियोम था, राइट। तो एक्सियोम क्या होता है, व्हाट इज एक्सियोम एंड व्हाट इज थ्योरम, सर, यस, व्हाट इज एक्सियोम, यस, स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव, व्हिच कैन बी प्रूव, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरम, एक्सियोम, एनीवन, सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 5 इक्विलिट ज्योमेट्री, आपका एक्सियोम एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो सास इज एन एक्सियोम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बट इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, जिस स्टेटमेंट को प्रूव ना किया जा सके दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एक्सियोम, एंड द स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड एंड विच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज कॉल्ड एज थ्योरम, राइट। तो सास क्या है, सास एक्सियोम है, प्रूव नहीं किया जा सकता लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस, सो दिस इज, ये ट्रायंगल किससे आए, कॉन्ग्रुएंट हुए, ये भी सास से एक्सियोम फॉर कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। नाउ सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पोंडिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, तो उनके करस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। नाउ लेट मी टेक दिस ट्रायंगल्स, देन इट विल बी क्लियर टू यू, लेट मी टेक दिस ट्रायंगल ऑन दैट पेज, ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, जो पीसीबी है, पीसीबी, पीसीबी कहां पे है, पीसीबी यहां पे है, दिस एंगल इज पीसीबी, राइट। सो ये एंगल किसके इक्वल होगा, डीएफई के होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये किस रूल से होगा, सीपी सीटी, ये करस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, राइट। वी आर गिवन दैट एसीबी इक्वल टू डीएफई, एसीबी किसके इक्वल गिवन था, ये पूरा एंगल किसके इक्वल गिवन है, डीएफई के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब एसीबी डीएफई के इक्वल गिवन है, पीसीबी डीएफई के इक्वल गिवन है, यस सर, पीसीबी डीएफई के इक्वल कैसे हो सकता है, वो तो सर बीच में से कट रहा है ना, देखो एसीबी हो सकता है, यस हमने क्या किया है अभी पीछे, अगर आपने देखा होगा, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रूव दैट ट्रायंगल पीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफई, डीएफई के सिमिलर है, सॉरी सिमिलर चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं मैं, टेंथ क्लास में एक आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे उस पे सिमिलरिटीज है वहां पे, तो सिमिलर मुझे याद आ जाता है बार बार, कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया यहां पे, राइट, ये हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट पीसीबी को डीएफई के, अगर आप देखेंगे तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जो आपका जो कंफ्यूजन आ रहा है उसी का आंसर मैं देने जा रहा हूं, अब ये क्या होगा, देखो इससे ये इक्वेशन वन है, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन आया वो दैट इज वो जेन्युइन कंफ्यूजन आया है उसका आंसर दे रहा हूं, इन्हें दोनों इक्वेशन को देखो, इधर भी डीएफई इधर भी डीएफई, तो इससे क्या होगा, पीसीबी किसके इक्वल होना चाहिए, एसीबी के, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सेम होगी, तो ये जो पीसीबी है छोटे वाला एंगल इस पूरे वाले बड़े एंगल के इक्वल होना चाहिए, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है, यस ऐसा नहीं हो सकता है, ये पी जो पॉइंट है ये पॉइंट ए के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए ऐसा होने के लिए, राइट। तो ये हमने पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इन वन केस, व्हेन दिस पॉइंट पी इज कोइंसाइड ऑन पॉइंट ए के ऊपर कोइंसाइड करे, और ये जो बी ए जो डिस्टेंस है दैट बी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ED डिस्टेंस के इक्वल हो,
सो इफ बी ए इज इक्वल टू ईडी सो वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया डीएफके बाय एसएएस एक्सियम राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। सो ये हमने पी पॉइंट यहाँ पे सपोज किया हुआ था लेकिन वो पी पॉइंट ए के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा तभी कंडीशंस मैच करेंगे राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लुक एट दिस केस थ्री। केस थ्री क्या होगा ए बी डीई से छोटा हो सकता है yes, हो सकता है। एक बार हमने इक्वल लिया एक बार ग्रेटर लिया एक बार इसको छोटा एक्ज्यूम कर रहे हैं। सो वी कैन चूज अ पॉइंट एम ऑन डीई सच दैट एम ई इज इक्वल टू ए बी एंड रिपीटिंग दिस आर्ग्यूमेंट एज गिवन इन केस टू वी कंक्लूड दैट ए बी इक्वल टू डीई एंड ए बी सी इक्वल टू डीई एफ। तो सेम अगर छोटा होगा तो क्या करेंगे हम लोग इसकी तरह से प्रूव कर देंगे। यहाँ पे देखो ये भी तो छोटा ही लिया था हमने ये साइड ये छोटी साइड ली थी हमने यहाँ पे ठीक है। तो इसी तरह से कन्वर्सली ये सेम इसी की तरह से प्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं दिया गया। नाउ लुक एट फर्दर हियर रिटन ऑन द स्क्रीन। शिवान शर्मा कुड यू प्लीज रीड दिस रिटन ऑन द स्क्रीन। सपोज Can you reason out why? You know that the sum of three angles of a triangle is 180 degrees. So if two pairs of angles are equal, the third pair is also equal. 180 minus sum of equal angles. So two triangles are congruent if any two pair of angles and one pair of corresponding sides are equal. We may call it as the AAS congruence rule. Now let us perform the following activity. Draw a triangle with angles 40 degrees, 50 degrees and 90 degrees. How many such triangles can you draw? ओके सो इफ यू लुक एट दिस अगर हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करें वन एंगल 90 डिग्री का होगा। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी। एक एंगल 90 डिग्री होगा राइट एंड टू एंगल्स आर 40 एंड 50। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो यू कैन ड्रॉ एज मैनी ट्रायंगल्स एज यू वांट विद डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड्स। आप कितने सारे ट्रायंगल आप बना सकते हैं। तो आप ये ट्रायंगल बना सकते हैं इसका एंगल ये वाला एंगल होगा 40 और यहाँ पे एग्जांपल में लिया था एक एंगल 50। तो ये ट्रायंगल भी बन सकता है कंटेनिंग दिस ट्रायंगल ऑल्सो 40 50। दिस एंगल आप मेजर करेंगे 40 50। तो आप डिफरेंट लेंथ लेते जाएंगे और ये ट्रायंगल 40 50 का बनता जाएगा। दिस इज 40 50। सो वी कैन ड्रॉ कितने ट्रायंगल बना सकते हैं तीनों एंगल इक्वल हो तो कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं जितने ट्रायंगल आपकी मर्जी हो आप उतने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं राइट। इससे हमने ये कंक्लूड किया ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या इन दोनों ये ट्रायंगल्स की शेप तो सेम है। शेप तो यहां पे सभी की सेम है। कैसी शेप है ट्रायंगल है। क्या सभी ट्रायंगल्स का साइज भी सेम है ये आप देख के बता सकते हैं साइज इज सेम। साइज छोटा बड़ा। तो इससे आप एक चीज यहां से कंक्लूड कर रहे होंगे अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या वो ट्रायंगल डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस सर। क्यों सर? नो नहीं होंगे। ये देखो ये छोटा ट्रायंगल ये छोटू ट्रायंगल है और ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में एंगल तो सेम है तीनों एंगल सेम है। क्या ट्रायंगल का साइज सेम है इसमें इन दोनों केसेस में एक छोटू है एक बड़ू है तो इन दोनों का साइज सेम नहीं है। तो हमने यहां से ये कंक्लूड किया अगर तीनों एंगल ट्रायंगल के इक्वल हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है तो एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल कुछ भी नहीं होता है। तीनों एंगल से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है राइट।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ थ्री ट्रायंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस. अगर तीनों एंगल की जो इक्वालिटी है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट वन हैज टू बी साइड. तीनों में एक साइड होनी जरूरी है. तो तीनों एंगल 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 हो नहीं होगा, एक साइड होना बहुत जरूरी है, राइट. सो और एक चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको, ये ट्रायंगल होते क्या होते क्यों है. जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे, सो अगर ये दो ट्रायंगल हैं, लेट मी टेल यू दिस थिंग, वो प्रूव कैसे हुआ था. जो ये मैंने बताया था कि एंगल साइड एंगल तो हमने देखा था, इसका प्रूफ भी किया है. मैं कह रहा हूं एंगल एंगल साइड भी होता है और साइड एंगल एंगल भी होता है. तो लेट लुक एट दिस, ये कैसे आए, इनका प्रूफ नहीं किया हम लोगों ने. देखो यहाँ पे ये एंगल था, ये एंगल इक्वल था मान लो 30 और ये मान लेते हैं इसको 70, ठीक है. और ये साइड इक्वल थी 4, ये 30, ये 70 और ये साइड इक्वल थी 4. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, आशा एंगल साइड एंगल, ठीक है. अब आप ये देखो, अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल तो इक्वली होगा. ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सर 80, ठीक है. अब ये वाला एंगल 80 है तो ये वाला एंगल भी 80 होगा, राइट. अब अगर मैं कहता हूं ये साइड यहां पे नहीं है 4, अगर ये 4 यहां पे नहीं है, ये 4 ये वाली साइड इक्वल नहीं है, मैं कहता हूं 4 सेंटीमीटर ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है. तो फिर आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, साइड एंगल एंगल, ठीक है. और अगर इधर से देखें तो एंगल एंगल साइड, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई सेकंड और थर्ड. प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये 80 आ गया तो अब ये भी तो सेम ही बन गया एंगल साइड एंगल. ये पहले वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्रूव कर देंगे उसको, ऊपर वाला एंगल इक्वल ले लेंगे. समझ पा रहे हैं आप, ये 80 आएगा इसको प्रूव कर देंगे एंगल एंगल साइड एंगल ही प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी बेसिकली उसमें लग रही है. तीसरा एंगल इक्वल है तो कोई सी भी साइड आप रोटेट कर लें उससे फर्क नहीं पड़ता. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. क्या पूछ रहे हैं सर? यस सर, अगर मतलब सर तीन एंगल्स अगर इक्वल है तो सर हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बता सकते, लेकिन सर अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो बता सकते हैं. यस डेफिनेटली राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट. व्हेन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास, देन दिस कंसेप्ट विल बी कंप्लीटली क्लियर टू यू ऑल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. इट्स टाइम अप टुडे. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे. हैव अ नाइस डे सर. थैंक यू सर. ओके सेम.